हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू आर डिजिटल लाइब्रेरी। आई एम डॉक्टर खुशी साहू। जैसा कि आप जानते हैं, हम लोगों ने रोग निदान एंड कार्य चिकित्सा की जो भी आयुर्वेदिक डिसीज है उसकी क्विक रिवीजन सीरीज स्टार्ट की है। इसमें मैं आपको किस तरीके से पेपर में प्रेजेंटेशन करना है उस डिसीज का और क्या क्या उसके लिए इम्पोर्टेंट श्लोक है मैं आपको बताऊंगी, ताकि आपको किसी भी प्रकार की एक्स्ट्रा मेहनत करने की जरूरत ना हो। हम लोगों ने श्रोतस वाइज डिसीजेज इन्वॉल्व की है, जिसमें रस्व श्रोतस की सारी डिसीजेज, यानी ऑलमोस्ट 5 डिसीजेज मैं कवर कर चुकी हूँ, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आज हम रक्तव श्रोतस की व्याधियां डिस्कस करेंगे। सबसे पहले कामला। रक्तव श्रोतस में बहुत सी व्याधियां दी हुई हैं, लेकिन हम इन सीरीज में जो जो इम्पोर्टेंट है, जो लेंथी क्वेश्चन में आती है, उनको ही डिस्कस करेंगे। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि बहुत से लोग वीडियोस देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, ना कमेंट करके बताते हैं कि आपको ये चीज कैसी लगी, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले कि मैं आगे भी इन चैप्टर्स के और आगे सब्जेक्ट्स के भी इस तरीके से कुछ चीज लाऊं। तो कीप सपोर्टिंग अस। सबसे पहले आज हम देखेंगे रक्त व श्रोतस की पहली व्याधि कामला, जिसको हम मॉडर्न में जॉइंडिस से कंपेयर करते हैं। जॉइंडिस, इसको आप कॉमन बोलचाल की भाषा में पीलिया भी बोलते हैं। अब सबसे पहले इस कामला डिसीज में प्रेजेंटेशन का तरीका जो हम लोगों ने रस्व श्रोतस की व्याधियां देखी थी उससे अलग होगा। यहाँ पर कामला में हमें सबसे पहले लिखना है सामान्य निदान। तो सामान्य निदान आचार्य चरक ने चिकित्सा स्थान के 16वें चैप्टर में 34th नंबर के श्लोक में बताया। अब आप कहेंगे ये तो पांडु है, तो पांडु के निदान ही कामला के निदान भी होते हैं, क्योंकि वहां पर बोला गया है कि यदि पांडु रोगी का रोगी जो है वो बार बार फिर भी निदान का सेवन कर ही रहा है, तो उसको आगे चल के कामला व्याधि उत्पन्न हो जाएगी। तो यदि आप पांडु में जो मैंने आपको निदान का श्लोक बताई थी, क्षार अम्ल लवण वाला, यदि उसको याद करते हैं तो आपका कामला का और पांडु दोनों का निदान कंपेयर हो जाएगा। तो इसलिए पांडु रोग की वीडियो जरूर देखें। देन आता है भेद, चरक चिकित्सा स्थान 16/36। आचार्य चरक ने 3 भेदों का वर्णन किया है। शाखाश्रित कामला, जिसको ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंडिस से कंपेयर किया गया है, कोष्ठाश्रित कामला नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंडिस, और कोष्ठ शाखाश्रित कामला हिमोलिटिक जॉइंडिस। ये ऑलमोस्ट दोनों की डिस्क्रिप्शन सेम ही होता है। देन बागभट ने 2 बताए हैं, स्वतंत्र कामला और परतंत्र कामला। फिर आता है कोष्ठ आश्रित कामला। कोष्ठ आश्रित कामला को परतंत्र या बहुपित्त कामला भी कहा जाता है। परतंत्र मतलब डिपेंडेंट ऑन समथिंग, और बहुपित्त कामला मतलब इसमें पित्त का बहुत ज्यादा सिक्रीशन होता है। लेकिन परतंत्र क्यों बोला गया, क्योंकि ये कामला जो है वो पांडु रोग पर डिपेंडेंट है अपनी उत्पत्ति के लिए। जब पांडु रोग का व्यक्ति यदि बहुत निरंतर निदान का सेवन करता ही जा रहा है, तो उसको आगे चल के कोष्ठाश्रित शाखा कामला जो है वो उत्पन्न होगा। तो इसका आपको पर्याय याद रखने हैं, परतंत्र बहुपित्त कामला। अब इसमें एक हमारे लिए फायदा है कि इसमें निदान और संप्राप्ति का श्लोक साथ ही साथ है, यानी उसी में निदान बता दिया उसी में संप्राप्ति। तो इसका श्लोक आपको चरक चिकित्सा स्थान के 16th चैप्टर के 34 नंबर श्लोक में मिलेगा। पांडु रोगी तो योद्यर्थम पित्तलानी निषेवते तस्य पित्तम अश्रग मांसम दग्धवा रोगाय कल्पते। यानी आचार्य चरक ने साफ वर्णित किया है कि यदि पांडु रोग का व्यक्ति यदि पित्त प्रकोपक द्रव्यों का अधिक मात्रा में सेवन करता है, तो उसका बड़ा हुआ पित्त रक्त और मांस को जलाकर कामला रोग को उत्पन्न करता है। तो ये उसका निदान और संप्राप्ति साथ साथ हुई, आपको इसी तरीके से लिखना है। देन हम यहाँ पर संप्राप्ति चक्र बना देंगे। संप्राप्ति चक्र क्या होता है, तो जो भी मैंने चीज आपको बोली आपको उसको फ्लो चार्ट के फॉर्म में लिख देना है। जैसे कि पांडु रोगी या पित्तवर्धक आहार विहार, फिर पित्त का अधिक प्रकोप, रक्त और मांस का विदाह, अधिक मल रूपी पित्त का निर्माण, जो तो इस वजह से जो ये ज्यादा बढ़ा हुआ पित्त है वो सर्व शरीर में भ्रमण करता है, और मूत्र पुरीश में पीतवर्णता होती है, जिस वजह से कोष्ठ आश्रित कामला की उत्पत्ति होती है। तो आप इस तरीके से एक फ्लो चार्ट के फॉर्म में यहाँ पर प्रेजेंटेशन कर सकते हैं। देन संप्राप्ति घटक यहाँ पर मैंने नहीं बताई हूँ, क्योंकि ओवरऑल कामला डिसीज के संप्राप्ति घटक हमें लास्ट में लिखना है। तो स्पेशली कामला का प्रेजेंटेशन आपका एग्जाम में इस तरीके का होना चाहिए। देन आता है सामान्य लक्षण। तो सामान्य लक्षण में कोष्ठ आश्रित कामला के सामान्य लक्षण में चरक चिकित्सा स्थान का हमें श्लोक याद करना है, 16वें चैप्टर का 35-36 नंबर का श्लोक है। या फिर आप सुश्रुत उत्तर तंत्र का श्लोक भी याद कर सकते हैं, जो कि 44th चैप्टर का 11th नंबर का श्लोक है। बट अकॉर्डिंग टू मी
ये श्लोक जो है वो इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आते हैं, तो देखते हैं हम। सॉरी। हारित्र नेत्रा सा भ्रशम हारित्र त्वक नखा नना रक्त पीत शक्रन मूत्रो भेक वर्ण हतेंद्रिया। यहाँ दो लाइन तो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, यदि आपको पूरी ना हो तो कम से कम ये दो कर लीजिए, और भेक वर्ण हतेंद्रिया ये वर्ण, यहाँ से वन मार्क्स में क्वेश्चन आता है कि ये किसके लिए बोला गया है। तो हारित्र नेत्रम सा भ्रशम यानी कोष्ठाश्रित कामला में व्यक्ति के नेत्र त्वक मुख और ये नख इनका वर्ण जो है वो हारिद्र हल्दी के समान हो जाता है ना पीला। रक्त पीतन शक्रन मूत्र इसी के साथ साथ रक्त का और शक्रन यानी पुरीष और मूत्र का वर्ण भी पीला हो जाता है। भेक वर्ण हतेंद्रिया ऐसा लगेगा कि जो शरीर का वर्ण है वो बरसाती मेंढक के समान हो रहा है, तो भेक वर्ण हतेंद्रिय वर्ण जो है वो इम्पोर्टेंट है कि कोष्ठ आश्रित कामला में शरीर का वर्ण जो है वो बरसाती मेंढक के समान हो जाता है। ये दो लाइन आपके लिए कंपलसरी है याद करना। इसके आगे आप दाह विपाक दौर्बल्यम सदनम आरुष्कर्षिता यानी शरीर में दाह होगा, विपाक सही से नहीं होगा यानी भोजन उसका नहीं पचेगा, दुर्बलता आएगी, सदन यानी थकावट सी रहेगी और व्यक्ति जो है वो कर्षित यानी सूखने लगता है। कामला बहु पित्तेषां कोष शाखाश्रय मत्ता यदि कामला में बहुत ज्यादा पित्त बढ़ जाए तो उसे हम कोष्ठाश्रित या कोष शाखाश्रित कामला कहते हैं। तो ये दोनों का मैंने आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि कोष्ठाश्रित और कोष्ठ शाखाश्रित का डिस्क्रिप्शन ऑलमोस्ट सेम होता है, तो यहां तक आपको कोष्ठाश्रित कामला का डिस्क्रिप्शन लिख के छोड़ देना है। जनरली क्वेश्चन 10-20 मार्क्स में यानी लेंदी सबसे लेंदी क्वेश्चन में ही आता है, तो उसका डिस्क्रिप्शन हमें अच्छे से देना पड़ता है। देन आता है शाखाश्रित कामला। शाखाश्रित कामला में सबसे पहले निदान और संप्राप्ति वही एक साथ बता दी गई है तो हमारे लिए फायदा है। चरक चिकित्सा स्थान के 16वें चैप्टर में 125 से 126 नंबर का श्लोक है। रुक्षा शीतो गुरु स्वादो व्यायामे वेग निग्रह यानी रुक्ष शीतल गुरु और मधुर आहार विहार का सेवन करना और वेग निग्रह यानी अधारणीय वेगों को धारण करने से, फिर कफ समूर्छितो वायु स्थानान छिपेत बली इन सब के करने से कफ के द्वारा मार्ग अवरोध होने से मूर्छित वायु जो है वो पित्त को अपने स्थान से निकालकर शाखाओं में फेंक देती है। यानी क्या हुआ यहाँ पर कि ये सब हम लोगों ने निदान सेवन किया, उस वजह से कफ बढ़ा और उसने क्या किया कि श्रोता से उसके मार्ग को अवरोध कर दिया। अब बढ़ी हुई वायु क्या करेगी, वो पित्त को उसको कहीं ले जाना है तो वो अपने स्थान से उठाकर कहीं और यानी कोष्ठ से बाहर फेंक देती है। हारित्र नेत्र मूत्र त्वक श्वेता वर्चा स्तदा नरह यहाँ पर ये श्वेत वर्चा स्तदा नरह वाला पॉइंट इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर एक तरीके से तिल की पिष्टि के नहीं तिल पिष्ट की निभम यानी व्हाइट कलर की स्टूल जो है देखने को मिलती है। तो हारित्र नेत्र मूत्र त्वक जो भी बाहर फेंकने की वजह से पित्त को शाखाओं में फेंकने की वजह से मूत्र नेत्र त्वचा का वर्ण हारित्र हो जाता है, लेकिन जो हमारा बाइल है वो तो इंटेस्टाइन में गया ही नहीं आगे गया ही नहीं, तो वहां पर जो मल है उसका वर्ण जो है येलो ना होकर श्वेत वर्ण का हो जाता है। तो ये चीज यहाँ पर बहुत इम्पोर्टेंट है, आगे भी हम इसके लक्षण देखेंगे तिल पिष्ट निभा, तो यहाँ पर ये दोनों चीज आपको इम्पोर्टेंट याद रखनी है। देन आता है संप्राप्ति चक्र। तो संप्राप्ति चक्र तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ कैसे किस तरीके से लिखना है कि निदान का सेवन किए बाद व कफ का प्रकोप हुआ, रुक्ष गुण प्रधान वात दोष और कफ दोष जो है आपस में मिलते हैं, पित्त को वहन करने वाले श्रोतस का अवरोध होगा तो वायु जो है वो पित्त को कोष्ठ में से बाहर फेंक देगी, इस वजह से तिल पिष्ट निवम या फिर श्वेत कलर का जो है मल का त्याग होता है और नेत्र और नख मूत्र का वर्ण जो है वो पीला हो जाता है। इसी को हम शाखाश्रित कामला या फिर रुद्धपथ कामला या फिर स्वतंत्र कामला बोलते हैं। मैं इसके पर्याय बताना आपको भूल गई थी, रुद्धपथ यानी ऑब्स्ट्रक्शन हुआ है किसमें श्रोतस के मार्ग में पित्त के श्रोतस में, तो ऑब्स्ट्रक्शन इसलिए रुद्धपथ कामला, और स्वतंत्र क्योंकि ये अपने खुद के से जनरेट हो रहा है इस वजह से स्वतंत्र कामला भी बोलते हैं। देन संप्राप्ति चक्र में आपको बता चुकी हूँ, इसके सामान्य लक्षण का श्लोक बहुत बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, चरक चिकित्सा स्थान का 16वें चैप्टर का 124 नंबर का श्लोक है। इसके अलावा भी 127 से 128 में भी लक्षण ही दिए हुए हैं, लेकिन आपके लिए दो लाइन याद रखना ही कंपलसरी है जिसमें से तिल पिष्ट निभम वाली मैं आपको बात बता ही चुकी हूँ। श्लोक देखते हैं हम क्या बोल रहे हैं, तिल पिष्ट निभम यस्तु वर्चा शदति कामली श्लेष्मणाम रुद्ध मार्गम तत् पित्त कफर हरे जयेत यानी यहाँ पर जो शाखाश्रित कामला वाला व्यक्ति है वो तिल की पिष्टि
यानी जो हम तिल को पीस कर एक सेमी सॉलिड फॉर्म में बनाते हैं उस तरीके का मल का त्याग करता है, उससे हमें समझना है कि इसे रुद्ध पथ कामला या फिर शाखाश्रित कामला हुआ है। और कफ का जो है अवरोध होने की कारण यहाँ पर हमें सबसे पहले कफ पित्त कफ हरिर्जयर यानी पित्त और कफ को हरण करने वाली चिकित्सा करनी है। तो यहाँ पर एक तरीके से उन्होंने लक्षण के साथ साथ चिकित्सा का भी वर्णन कर दिया। देन आपको यहाँ पर संप्राप्ति घटक साथ में लिख देने हैं, अब क्योंकि कामला है तो दोनों में सेम ही बात होगी। दोष जो है वो त्रिदोष होगा, स्पेशली पित्त प्रधान दोष यहाँ पर रक्त मांस ये सब होंगे। श्रोतस स्पेशली रक्त व श्रोतस इन्वॉल्व है। अधिष्ठान त्वक नेत्र नख मूत्र पुरीष श्रोतो दृष्टि में संघ होगा, संघ क्योंकि ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है। और विमार्ग गमन यानी पित्त अपने स्थान से हटकर दूसरी जगह पर चला गया, तो विमार्ग गमन। अग्नि दृष्टि में मंद अग्नि। देन यहाँ तो हमने मेन जो पॉइंट है वो डिस्कस कर लिया। आफ्टर दैट पीजी के लिए या फिर एमसीक्यू वगैरह के लिए कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स आते हैं जो मैं आपको इसी वीडियो में डिस्कस करना चाहती हूँ। कुंभ कामला को लिवर सिरोसिस या फिर क्रोनिक जॉइंटिस से कंपेयर किया गया है, और ये क्वेश्चन इसका पीजी में लाखों बार पूछा जा चुका है और एमसीक्यू में भी, कि कालांतर खरी भूथा कृच्छाश्यात कुंभ कामला। ये चरक चिकित्सा स्थान 16 का 37 नंबर का श्लोक है। कालांतर खरी भूता कृच्छाश्यात कुंभ कामला, ये कुंभ कामला वर्ड हटा देगा, बोलेगा किसके लिए पूछा गया है। तो कालांतर खरी भूता यानी कालांतर में टाइम पास होने के बाद यदि किसी का कामला ठीक नहीं होता है तो वो कालांतर यानी आगे चलकर कृच्छ अवस्था में यानी कुंभ कामला में परिवर्तित हो जाता है। तो इसमें हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट था। देन आता है हलीमक। हलीमक भी कामला का ही एक जीर्ण रूप है। आचार्य चरक ने इसे पांडु का जीर्ण रूप कहा है। सुश्रुत ने लाघ्रक नाम से वर्णन किया है इसका पर्याय, और बागभट ने लोढ़र लाघव लाघ्रक या अलस। अलस इम्पोर्टेंट है इसमें, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि अलस या लाघ्रक किस व्याधि का पर्याय है, तो ये हमको ध्यान रखना है। इसे मॉडर्न में क्रोनिक जॉइंटिस एसोसिएटेड विद फीवर इससे कंपेयर किया गया है। और हलीमक को महाव्याधि कहा गया है। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, महाव्याधि क्या है तो हलीमक है, ये हमें ध्यान रखना है। देन आता है पानकी। तो पानकी का वर्णन स्पेशली माधव निदान ने किए हैं। उन्होंने इसे क्रोनिक जॉइंटिस एसोसिएटेड विद डायरिया यानी इस कामला में डायरिया जो है वो अतिसार जो है वो मुख्य लक्षण के रूप में मिलता है। तो माधव निदान 8th chapter 23 नंबर का श्लोक, जीर्ण कामला की अधिक परिवर्तित रूप को उन्होंने पानकी कहा है। यह अतिसार इसमें मुख्य लक्षण होता है, इसलिए सा अतिसार कामला भी कहते हैं। अब हम कामला की चिकित्सा देखेंगे ओवरऑल। तो स्नेहन घृत से तिक्त द्रव्यों से सिद्ध घृत से करते हैं। देन विरेचन यदि मृदु है, सॉरी मृदु विरेचन हमें कब कराना है यदि कोष आश्रित कामला हो, और तीष्ट विरेचन कब कराना है जब शाखाश्रित कामला हो, क्योंकि यहाँ पर पित्त जो है वो अधिक पड़ रहा है। देन यापनावस्ती शीरवस्ती या फिर अनुवासन वस्ती का प्रयोग हम हलीमक में करते हैं। तो ये आपके लिए ओवरऑल 10 या 20 मार्क्स में किसी किसी यूनिवर्सिटी में क्वेश्चन आता है, तो उसके लिए कंटेंट था। होप कि आपको समझ में आया होगा। आगे भी हम इसी तरीके की इम्पोर्टेंट डिसीजेस को डिस्कस करेंगे। सो स्टे कनेक्टेड विद आर्ट स्टिल लाइब्रेरी एंड कीप सपोर्टिंग अस।